तो देख सकते हो गाइस, ये है विवेक ओबराय जी का घर। घर के मेन गेट पे उनके पिता सुरेश ओबराय का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो। इसी घर में रहते हैं गोविंदा, और जस्ट इनके घर के बगल में ये है विवेक ओबराय का घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विवेक ओबराय जी का घर दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ गोविंदा जी का भी घर दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगे ये लोग मुंबई में कहाँ रहते हैं, कौन से बिल्डिंग में रहते हैं। फिल्मों में तो हमने इनका बहुत घर देखा है, लेकिन रियल लाइफ में इनका घर कैसा है कैसा नहीं, आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो बस बने रहें आप लोग वीडियो के लास्ट तक। अभी मैं हूँ जुहू में, अभी इस्कॉन टेम्पल की तरफ से मैं आया हूँ, और यहाँ से थोड़ी दूर जाके आगे हमको बस एक बार लेफ्ट मारना है, उसके बाद से मैं आप सभी को दिखाता हूँ विवेक ओबराय और गोविंदा का घर। ये रास्ता डायरेक्ट बीच पे चला जाएगा और हम लोग इधर से जाएंगे। तो बस ये सामने जो बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे है विवेक ओबराय और गोविंदा जी का घर। तो चल के मैं पास से आप सभी को उनका घर दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस, अभी हम विवेक ओबराय जी के घर पे पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ हैं दुबे जी, जो हमारे साथ मुंबई में ही रहते हैं। तो बस हाय दोस्त, अभी आप सभी को दिखाता हूँ गोविंदा और विवेक ओबराय जी का घर। गाइस देख सकते हो, ये है गोविंदा जी का घर गोल्डन बीच। पास से चल के दिखाता हूँ मैं गाइस इनका घर, देख सकते हो। अभी मैं गेट के एकदम सामने आ गया हूँ। इसी घर में रहते हैं गोविंदा, और जस्ट इनके घर के बगल में ही है विवेक ओबराय का घर। तो फाइनली गाइस, अभी हम विवेक ओबराय जी के घर पे पहुंच गए, आप सभी को उनका घर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, ये है विवेक ओबराय जी का घर। विवेक ओबराय अपने पूरी फैमिली के साथ इसी घर में रहते हैं। ये घर, घर के मेन गेट पे उनके पिता सुरेश ओबराय का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो। पूरा घर उन्हीं का है, और जस्ट इन्हीं के बगल में इधर इधर जो गोल्डन बीच लिखा है गेट पे, ये वाला है गोविंदा का, और एक घर और है गोविंदा का इधर जल दर्शन, ये वाला भी गोविंदा का ही है। बाकी देख सकते हो, विवेक ओबराय अपने पूरे फैमिली के साथ इसी घर में रहते हैं। तीन मंजिला इमारत है, देख सकते हो पूरा ऊपर से नीचे तक, और ये मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है, देख सकते हो। तो गाइस ये है इस घर का मेन गेट, देख सकते हो, जिस पे लिखा है सुरेश ओबराय, विवेक ओबराय जी के पिताजी का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और बाकी ये इनका घर है, जो कि जुहू के सबसे पोस्ट इलाके में स्थित है। ये इलाका काफ़ी महंगा है, यहाँ पे सबके बस का बात नहीं है यहाँ पे घर लेना या फ्लैट लेना। इधर है गोविंदा का, सामने वाला ये जो गेट दिख रहा है ना, यही है गोविंदा का घर। आप सभी को बता दूं गाइस कि विवेक ओबराय के पिता सुरेश ओबराय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को पाकिस्तान में हुआ था। भारत विभाजन के समय इनके पिता आनंद स्वरूप और माता करतार देवी के साथ ये अमृतसर से होते हुए हैदराबाद पहुंचे थे। तो गाइस ये थी कहानी सुरेश ओबराय का पाकिस्तान से भारत आने तक की। यही बात करें सुरेश ओबराय की शादी की, तो सुरेश ओबराय ने यशोधरा से शादी की, जो उनसे 8 साल जूनियर थी, और उन्हीं से इनके दो बच्चे हैं, जिनमें से हैं एक विवेक ओबराय और एक हैं इनकी बेटी मेघना ओबराय। यहीं इनकी फिल्म करियर की बात करें तो गाइस, इन्होंने 1977 ईस्वी में फिल्म जीवन से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी की बात करें तो सुरक्षा, खंजर आदि शामिल है। आपको बता दूं गाइस कि 1982 में इन्हें फिल्म लवारिस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिर उसके बाद 1985 में घर एक मंदिर के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सुरेश को 1987 में फिल्म मिर्च मसाला के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने अपने जमाने में 1 से 8 हिट फिल्में दी हैं। आपको बता दूं गाइस कि 1974 में शादी के बंधन में बनने के बाद से उन्होंने यशोधरा से जब शादी कर ली, और उनके जब बच्चे हुए विवेक ओबराय,
उसके दो साल बाद मुंबई में शिफ्ट हुए थे। कितने बार आए हो आप यहाँ पे? काम कर रहा हूँ। अच्छा, काम करते नहीं नहीं यही अभी काम कर रहा हूँ, जल्द सर वो भी ऑफिस है गोविंदा का, गोल्डन ब्रिज कुमार का बाटू में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कुमार और संजय देवल का देख सकते हैं। हाँ, किसी से मिले हो कि नहीं अभी आप यहाँ पे? अभी तो किसी से नहीं मिल पाएगा। तो गाइस यही है बॉलीवुड के हीरो विवेक ओबराय और सुरेश ओबराय का घर, जो कि मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है। और इनके घर के जस्ट बगल में गोविंदा रहते हैं, और इधर अगर आप लोग जाते हो इनके घर से आगे तो गोविंदा का एक दूसरा वाला घर पड़ेगा जलसा, और उसके आगे श्रद्धा कपूर का घर पड़ेगा, दिव्या भारती का घर पड़ेगा, सनी देओल का घर पड़ेगा। तो यही था गाइस विवेक ओबराय जी का घर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और ये है गोविंदा जी का घर, जल दर्शन आप लोग देख रहे हो, गेट पे लिखा है इधर जल दर्शन, और इसी घर में रहते हैं गोविंदा जी। और ये रास्ता सीधा आगे चला जाएगा इधर अक्षय कुमार के घर की तरफ और सनी देओल के घर की तरफ, बस एक आगे जाके एक बार राइट मारना है। चलो चलते हैं, बस आज की वीडियो में इतना ही था। जल्द मिलते हैं मुंबई के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।